कैसे हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपेरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ मोटो एच 40 न्यू 5G और दूसरी तरफ पोको एक्स 5 प्रो 5G, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटो एच 40 न्यू 5G को 22,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ पोको एक्स 5 प्रो 5G को सिर्फ 19,499 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 2,500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हो 2,500 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो एच 40 न्यू 5G को लेना सही रहेगा या फिर 2,500 रुपीज कम खर्च करके पोको एक्स 5 प्रो 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू कर। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ पोको एक्स 5 प्रो 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो एच 40 न्यू 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7030 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जो कि परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को पोको एक्स 5 प्रो 5G में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन का अगर अंतु स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी आगे निकल जाता है पोको का एक्स 5 प्रो 5G, क्योंकि पोको की पोको एक्स 5 प्रो 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है 5,39,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो एच 40 न्यू 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है 4,39,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन की GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो पोको एक्स 5 प्रो 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,500 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो एच 40 न्यू 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,100 निकल के आता है। तो दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करें, जब डिस्प्ले के मामले में ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को मोटो एच 40 न्यू 5G के डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। 6.55 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 144Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको एक्स 5 प्रो 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले आप लोगों को फ्लैट देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है मोटो का एच 40 न्यू 5G, क्योंकि मोटो एच 40 न्यू 5G के डिस्प्ले में 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ पोको एक्स 5 प्रो 5G में सिर्फ 900 निट्स की ही ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो मोटो एच 40 न्यू 5G में कम मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, फिर भी कैमरे के मामले में बेटर हो जाता है मोटो का एच 40 न्यू 5G। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि मोटो एच 40 न्यू 5G में कम अपर्चर वाला OIS वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको एक्स 5 प्रो 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.9 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का एच 40 न्यू 5G, क्योंकि मोटो एच 40 न्यू 5G में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको एक्स 5 प्रो 5G में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है पर उसका अपर्चर f2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो जैक की बात करी जाए तो पोको एक्स 5 प्रो 5G में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो एच 40 न्यू 5G में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। ऑडियो फीचर की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो पोको एक्स 5 प्रो 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 67W के सोनिक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो एच 40 न्यू 5G में भी
5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 68 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ यूएसबी टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए मोटो H40 न्यू 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको X5 Pro 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। वैसे तो ये दोनों स्मार्टफोन अपने अपने प्राइस में बेस्ट है, पर अगर आप लोग कम से कम प्राइस में एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले के साथ, बिग बैटरी के साथ, तो आप लोगों को पोको X5 Pro 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग एक कर्व डिस्प्ले वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे जिसमें गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाए, फोटोग्राफी के लिए फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाए, तो आप लोगों को मोटो H40 न्यू 5G की तरफ जाना चाहिए।